वॉर्म गुड इवनिंग माई लवली चिल्ड्रन, गुड इवनिंग एवरी वन, अभिनंदिया, साक्षी, सहिति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे मेरे बच्चे? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, गुड इवनिंग। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, 8 दिन बचे हमारे एग्जाम के लिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज रात को भी 10 बजे क्लास है, कल रात को भी 10 बजे क्लास है। टाइम मैंने 12 o'clock, 8 to 12, 11:30 तक खत्म कर दूंगी, 11:45 तक, ताकि 12 o'clock सो जाओ, सुबह 5:30-6 बजे उठ जाओ। गुड इवनिंग एवरीबडी, मेरे बारे में आप जानते हैं, आई विल टेल यू मोर अबाउट इट आफ्टर योर एग्जाम्स। चलिए तो आगे बढ़ते गाइज, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे रोज नोट, सेशन के PDF सब कुछ शेयर हो रहा है। ये देखिए, ये रहा राइट, और यहाँ पर एवरीथिंग इज गेटिंग शेयर। देखिए, आइए, दिख रहा है आपको 1 year plan, 2 year plan, नीट स्टडी मटेरियल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए वेदांत फ्री लर्निंग ऐप, यहाँ टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर, हाय नदीम, मनहास, आई होप यू डू वेल इन योर एग्जाम्स, गॉड ब्लेस यू। तो ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। शाम को क्लास है 10 PM पे आज। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है गाइज, 8-9 दिन है, 9-10 टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। कोड VD Pro है, VD Pro, दिस इज ऑब्वियसली द क्रैश कोर्स। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा लेट हो गया, नेवर माइंड। अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, चलिए कम ऑन, गुड इवनिंग 10। पिछली बार मैंने आपको क्या कराया था, मैंने बोला था आपको, यार छोड़ो आपने थियोरी क्यों करनी, एंड आई विल मूव माय फोटोग्राफ टू द अदर साइड। बिल्कुल कोने में कर दिए मैंने अपनी फोटोग्राफ, अब दिख रहा है। गिवन बिलो इज द ग्राफ शोइंग द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यस, बताइए जल्दी 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 एवरीबडी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सक्सिनेट, मैलोनेट, वेल डन, केम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बट रिएक्शन कैन अल्टीमेटली अचीव वी मैक्स, क्योंकि दोनों सेम है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एंजाइम जल्दी सैचुरेट हो जाएगी। यस एवरीबडी, करेक्टो श्रुति, 100% वाले क्वेश्चंस मैं कल लेकर आ रही हूं संडे को, 100% गारंटी क्वेश्चन। ज्विटराइन स्ट्रक्चर कौन दिखा रहा है, ए B, A, C, A, B, C. Good question. चलो स्पीड अप, वेदही, एडिलिशियस, प्रीति, कम ऑन गाइज, मेक श्योर दैट यू लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। ज्विटर आइन, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, कौन दिखा रहे हैं, डन डन, एवरीबडी सेज B, ओनली B, सील कर दिया जाए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A और B के लिए क्या ट्रू है? यार आई थिंक ए होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कम ऑन श्रुतिका, कम ऑन खुशी, आई थिंक ए होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी होगा, तो मुझे लग रहा है सी है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, दोनों नहीं बनाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगा, दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। आई थिंक सी होगा, ए होगा आर, देखा, अरे मैंने बोला था प्रीति 9:30 आज और कल 10 PM है, परसों से 9:30 कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम बिलो, मेटासेंट्रिक है, ए को सैटेलाइट बोलते हैं, बी को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, बी कॉल्ड सैटेलाइट, A called secondary construction, B option. No worries, Rashik, Rebecca. It is a sub-metacentric. पहले बताओ metacentric है कि sub-metacentric है? Come on, exam का question है ये.
यार ये एग्जाम का क्वेश्चन है, चलो 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 चलो, गारंटी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी मैं मंडे ऑनवर्ड्स, कम ऑन। कल ना आपको मैं सारी डेफिनेशंस वगैरह करवा रही हूँ रात को 10 o'clock। क्या है मेटासेंट्रिक है, ए क्या होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ए और बी क्या होता है सेकेंडरी। यस, ए इज कॉल्ड सैटेलाइट, बी इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। रॉन्ग आंसर इसका बी होना चाहिए, ए इज कॉल्ड ए एंड ए कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन गलत है। ए बेसिकली क्या होता है बेटा सेंट्रोमियर, राइट, जहां पे ये अटैच्ड है। इज दैट क्लियर? सी आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और बी सैटेलाइट क्रोमोजोम है। बी कॉल्ड सैटेलाइट, ए कॉल्ड सेकेंडरी। ए सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी है, ए प्राइमरी है। तो ए में नॉन रिपीटिंग फ्रैगमेंट हो सकते हैं, आंसर ए ठीक है। देखो अगर मुझे आपको ये बताना ही है, अगर मुझे आपको ये बताना ही है व्हाट इज सैटेलाइट क्रोमोसोम, व्हाट इज सैटेलाइट क्रोमोसोम, इट इज द रिपीटिंग कोड्स, यस और नो, which is repeat z z z a a a a a। तो ये भी satellite होता है, ये भी satellite होता है, दोनों satellite है। तो a satellite बिल्कुल ठीक है, पर a को कहते हैं primary constriction और अगर ये आप b बना रहे हो इसको कहेंगे secondary constriction। समझ आया? Done? Understood? ठीक है, चलो तो answer a ठीक है। चलो ए बी सी डी क्या है? अरे यार इन्होंने तो लेबलिंग में ही गड़बड़, इसीलिए ना यार ये वी क्विज भी गड़बड़ करता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पर कर लोगे ना, इन्होंने लेबलिंग हटाई नहीं है और कुछ कुछ गड़बड़ हो गया है। डन? अरे यार ए शायद सिम्प्लास्ट होगा, बी को एपोप्लास्ट कर देंगे। In the given diagram, ये ना actually मैंने किया था, ये slide show में भी ये नहीं करता है। Yes? ये मैंने किया था यार, X मान लो funnel कह देते हैं, तो addition of water होगा। अगर हमने एरिएटिंग ट्यूब को बोल दिया ये कॉटन हो गया। डन? आई हैव डन दिस लेबलिंग, दैट इज आई डिडंट डू इट ऑन बी। आ गया फाइनली, फाइनली आई हैव डन द लेबलिंग व्हाइल अपलोडिंग, आई थिंक द रॉन्ग डायग्राम आर अपलोडेड। हाँ ये क्वेश्चन किया है, डी है। इतना बच्चों को कॉन्फिडेंस है, नेक्स्ट लेवल, एपिक, अमेजिंग, वेल डन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। मैराथन करवा देंगे मेरे बच्चे, पहले जो करा रही हूं वो तो पढ़ ले। यस, इन द गिवन डायग्राम शोइंग एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ द ह्यूमन स्टमक ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ए है फंडस, बी कार्डियक और सी पाइलोरस। डन? ट्यूसडे ऑनवर्ड्स लास्ट 5 days यू ओनली हैव ऑल फुल सिलेबस टेस्ट्स। गिवन फिगर इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलाई वेक्टर PBR322। Which one of the given option correctly identifies its components? ORI is original restriction enzyme. ROP, अरे हमने किया है बिना डायग्राम के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वी हैव डन दिस विदाउट डायग्राम। यस एवरीबडी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स। चलो ABCD, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चलो ABCD।
फास्ट यूनिस्क्वामोस लग रहा है पहले वाला, दूसरे वाला क्यूबॉइडल, तीसरे वाला कॉलमनर, चौथे वाला ट्रांजिशनल, तो आंसर क्या होगा? सी इज कॉलमनर एपिथीलियम विच इज देयर इन ओवरी, टेस्टिस, स्टमक. वेल डन. ओह कॉकरोच. चलो चलो जल्दी बताओ. Guys, have you liked, have you shared, have you subscribed, have you all become a part of Vedanta Biotronic right now, right here, tell me. Coxa, trochanter, femur, chalo, come on, quick. Well done. Coxa, uske baad trochanter, fir femur, maine leak hi kar diya tha answer, fir tibia, fir Tarsus. Next question. अरे ललू सवाल. चलो. A क्या है? B क्या है पहले बताओ. Polar nuclei. C क्या है? Megaspore mother cell. Central cell. बताओ. Question number 11. C क्या है? Central cell. बी क्या है? पोलर न्यूक्लियाई. वो क्या है? साइनर्जेड ए. उनके बीच में क्या है? एग सेल. डी क्या है? एंटीपोडल. तो आंसर क्या बना? ए ऑप्शन. क्या बना आंसर? ए ऑप्शन. यस और नो. अब ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या गलत है? कम से कम 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में. कम से कम 5 बार बताइए. फेवरेट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बताइए. अपर एंथेरिडियम एंड लोअर यूगोनियम. आंसर हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A to E करेक्ट लेबलिंग बता दो. A to E करेक्ट लेबलिंग को बता दो. A तो यूरेटर है. B हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, इंफीरियर वीना केवल लेकर आएगी. C आपकी डोर्सल एओर्टा है और D आपका ब्लैडर है और E रीनल पेल्विस है. तो आंसर क्या बना? आंसर बन रहा है C option. Yes or no? आंसर क्या बन रहा है? सी ऑप्शन बन रहा है कि नहीं? एक सेकेंड बच्चों, आपका चैट क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? एक सेकेंड दिख गया. चलो यस नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके इजी अगेन, वेरी इजी. कर लिया आंसर. वन है क्रोमैटिड्स, 200% सेंट्रियोल है, 3 जहां पे ज्वाइन कर रहा है काइनेटोकोर या सेंट्रोमेयर है. काइनेटोकोर तो लिखा नहीं, तो सेंट्रोमेयर बोलेंगे उसको हम. और 4th क्या है? क्रोमोसोम, जहां पे दोनों आर्म्स को मार्क किया गया है. यस और नो? सो व्हाट इज द आंसर? क्रोमैटिड, सेंट्रियोल, सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम. आंसर इज 1. यस और नो? On my screen, are you able to solve with me? ऐसे question exam में आएंगे guys, कर लोगे solve. Tension नहीं लेनी, तब आराम से बैठ के solve करना है. चलो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट. ए क्या है? ए बताओ. टंगस्टन. ए क्या है बताओ? ए. स्पार्क प्लग बोल दे, इलेक्ट्रोड बोल दे. बी क्या है? गैसेस कौन कौन सी? मिक्सचर ऑफ गैस लिखा. बताओ क्या क्या गैसेस थी? अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन. अच्छा सी क्या था? कंडेंसर नीचे करने के लिए सी में कोल्ड वाटर डालना पड़ेगा. और डी क्या था जहां से बाहर बाहर निकाल देंगे? वैक्यूम पंप. अलमीरा मैंने बुक लिखी इसीलिए 100% मेरी बुक से क्वेश्चंस आएंगे. आंसर क्या बन गया? ए 15th है. नेक्स्ट. ओहो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. लिंकर डीएनए आपका बी होगा, ऑक्टामर आपका सी होगा,
क्रोमैटिन फाइबर आपका ए होगा, ए में क्रोमैटिन फाइबर कहीं दिया नहीं है, बी में लिंकर डीएनए बी में दे दिया, एच वन हिस्टोन बोल दिया लिंकर डीएनए को, उसी का बना होता है, और सी को ऑक्टमर बोल दिया, आंसर कर देंगे हम बी, बी आंसर को हम क्या कर देंगे बी, बी 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 बी, वेल डन वेल डन। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताइए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ए आपका प्रमोटर होगा, बी आपका टर्मिनेटर होगा, सी आपका 3 to 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा ताकि 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड हो। ऑसम वीक्विज शाम को 10 बजे बेटा, डायग्राम नहीं लोड होते वीक्विज में, इसलिए तो मैम करवा रही है स्पेशली। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजेस, कुछ लग रहा है मैम ने कुछ तो पढ़ाया, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजेस क्या समझ आ रहा है, दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, दे आर होमोलोगस, एनालोगस नहीं है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, वेल का फ्लिपर, चीता का हाथ, ह्यूमन हैंड, शुगर NH2 किसका पार्ट है, ओरी में है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, सेल मेंब्रेन तो बाइलेयर ऑफ लिपिड तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कंपोनेंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल है। यस नो अलमीरा, आई डोंट लिव इन दिल्ली, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। आहा, कल कराए मैंने अपने लॉन्ग टर्म के बच्चों को, कल कराए मैंने अपने लॉन्ग टर्म के बच्चों को। चलो identify the correct statement regarding the part of cell structure which is given in the diagram below, main photo khinch ke unko bhi bhejo, batao क्या है आंसर, सी फ्लेजिलिन का बना होता है, यस डाइनिन नेक्सिन, इज दैट क्लियर, इट इज यूज्ड, फ्लेजिला का स्ट्रक्चर है, इट इज बेसल बॉडी, फ्लेजिला, इट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये किसका स्ट्रक्चर है बताइए, किसका स्ट्रक्चर है बताइए, कैन यू सी ओ समवेयर, किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, एडिनिलिक एसिड नहीं है, COH नहीं है, यूरैसिल का स्ट्रक्चर है, यूरैसिल। नेक्स्ट गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of one of the categories of small molecular weight organic compound in the living tissues. Identify the category shown. Nice question. Very nice. X kya hai? X kya hai? X kya hai? OH, OH hai. Dehydroxy nahi hai. OH, OH hai. Easy question. Easy question. Uracil hai. Uracil. न्यूक्लियोसाइड, एपिडर्मिस, एंडोथीसिस, मिडिल लेयर, एपिटम, इनमें से मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोथीसिस एंडोमाइटोसिस कौन से होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, हिंट देती हूं, जो खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, इट इज कम ऑन गाइस, अगर ये क्वेश्चन आया ना वानी मैम के गैंगस्टर्स को तो आंख बंद करके नैनो सेकंड्स में जवाब देना है, नैनो सेकंड्स में, और ये टाइम बचा के फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगाना है। एम आई राइट एडिलिशियस, एम आई राइट अलीजा, इट इज टेपिटम, 110% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, कम ऑन,
most resistant, no enzyme is known, well done. Is it related to pressure or is it related to temperature? Temperature hai ki pressure hai? वाह यार, मेरे को सपने आ रहे हैं, बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया. नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, वेल डन. एबीसीडी माइक्रोपाइल. अच्छा मैं नहीं हिंट दे रही, मैं कोई हिंट नहीं दे रही, बताओ एबीसीडी. नैनो सेकंड्स में देखते कौन जवाब दे पाता है. बेटा ये भी वो सवाल है, आपको नैनो सेकंड्स में जवाब देना है. माइक्रोपाइल, उसके बाद न्यूसेलस, उसके बाद एम्ब्रियो सैक और डी के एंटीपोडल सेल वाला एरिया चला जा तो माइक्रोपाइल है. उसके बाद आपका न्यूसेलस है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू. उसके बाद सी आपका एम्ब्रियो सैक है और डी आपका चलाजा है. तो आंसर क्या हुआ? माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, चलाजा. आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन. वेल डन. एबीसीडी एक्स वाई जेड क्या है? चलो 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 चलो, एक्स वाई जेड क्या है? एक्स क्या है? Y क्या है? Z क्या है? ब्लू वाला. गुड क्वेश्चन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया और डाल दिया. B कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल है. क्या आंसर है? बताओ 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 जल्दी. B कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल है. क्या बना? B कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल है. ऐसे ही बन रहा है? हाँ मैम. B X Z A बीच में कैरोटीनॉइड. अब इसका बताओ. A B जेनरेशन ऑफ सी, मेम्ब्रेन पे जो लग रहा है वो सी क्या बनाएगा? अच्छा ए क्या है? ए क्या है? नॉन स्टेरॉइडल होगा, तभी वो किस पे लगा है? किस पे लगा है? रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे है. देखो नॉन स्टेरॉइडल आ गया आंसर. यार नॉन स्टेरॉइडल पे ही आंसर आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है. ए क्या होगा? इट कैन नॉट बी स्टेरॉइड. सी में स्टीरॉइड लिखा है, डी में स्टीरॉइड लिखा है, ए में स्टीरॉइड लिखा है. मेरे को तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं. क्यों नहीं होगा स्टीरॉइड? बिकॉज़ स्टीरॉइड तो बेटा वो होगा जो एफ एफ स्टीरॉइड होगा, जो अंदर, इनफैक्ट डी स्टीरॉइड होगा, एफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो अंदर जा रहा है. तो डी स्टीरॉइड लिखा है क्या बी पे? हाँ डी बिल्कुल स्टीरॉइड लिखा है. 100% करेक्ट आंसर इज बी. वेल डन, वेल डन. अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे यार लेट प्रूफ स्टेज है. यस ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. चलो नेक्स्ट 29. ए बी कौन कौन से सेल हैं? लवली क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन. ए बी बाहर कौन से सेल होते हैं? क्रैंस एनाटॉमी. अंदर कौन से सेल होते हैं? इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा. बाहर वाले सेल्स को क्या कहते हैं? मीसोफिल सेल. अंदर वाले सेल को क्या कहते हैं? बंडल शीट सेल. आंसर क्या होगा? बंडल शीट सेल इज बी, मीसोफिल सेल इज ए. आंसर क्या होगा? बंडल. उल्टा बोलो मत बेटा, कई बच्चे लिख रहे हैं बी. ए होगा मीसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल. मतलब फोटोसिंथेसिस में गड़बड़ है. फोटोसिंथेसिस में अभी करने पड़ेंगे थोड़े बच्चों को, थोड़े और मेहनत करने पड़ेंगे. चलो अगला सवाल. चलो स्टडी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोटीन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. लल्लू सवाल. लल्लू सवाल. बहुत इजी क्वेश्चन. वन इज सीरीन, ठीक है. सल्फर कंटेनिंग कैन बी मेथियोनिन. टू नो. थायोनिल ग्रुप है नो. नंबर थ्री, थ्री इज एरोमेटिक अमीनो एसिड चेन, बेंजीन रिंग बन गई. डन. फोर्थ इज एसिडिक अमीनो एसिड सी ओ एच आ गया. तो आई थिंक द आंसर शुड बी वन थ्री फोर ओनली. आंसर शुड बी सी अकॉर्डिंग टू मी. आप लोग क्या कहते हो? सी सी कि डी? Thionyl group. It is not attached. It's like a side chain. Perfect. C. Perfect. Well done. कितने बच्चों के total सही हो रहे हैं? Guys, कोई भी problem है आप मेरे से telegram पे reach out कर सकते हो. वाणी सुथवा वेदांत मेरा official instagram account है. Exam के बाद आप वहाँ पे download करके reach out कर सकते हो. आप बस reach out करो और tension मत लो.
वी आर देयर, वी आर अ फैमिली, बायोटॉनिक फैमिली के आप मेंबर्स हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो. इज दैट क्लियर? दो गलत हुए सिर्फ? प्लीज कॉमेंट सेक्शन पे कितने गलत हुए बता दीजिएगा. एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आ जाओ, आ गई. तो आज शाम को वानी मैम के चैनल पे चले जाओ, योर चैनल चले जाओ, ठीक है? आज शाम को देखो ह्यूमन बायोलॉजी एंड वेलफेयर से आ रहे हैं. और कल मैं सारी वन लाइन के डेफिनेशन, सब कुछ पूरा जो कह रहे हैं ना, फुल सिलेबस रिविजन टाइप करवाना है, वो करवाने वाली हूँ, ठीक है? 100 क्वेश्चंस ह्यूमन वेलफेयर से, और मंडे से आपका फुल सिलेबस टेस्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मंडे को करके आपके फुल सिलेबस टेस्ट करने वाली हूँ. कम ऑन गाइस, करना ही करना है. यस, फुल फॉर्म्स डेट साइंटिस्ट कल ले रही हूँ भाई, दही एग्जैक्टली कल वही है डेट साइंटिस्ट फुल फॉर्म, ठीक है? बाय गाइज, बाय 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 गाइज, बाय गाइज.